गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। यह आपका पार्ट थर्ड वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट थर्ड वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 पे है और प्रश्नावली है आपका 7.1। कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज के प्रकार बताइए, यानी कि ये जो बिंदु दिए गए हैं इनसे कैसा चतुर्भुज बनेगा उसका प्रकार बताना है, यदि कोई है तो। यानी कि अगर चतुर्भुज हो रहा हो तो चतुर्भुज होने के लिए आपको पिछले वीडियो के लास्ट में कंडीशन बता चुके हैं कि चतुर्भुज होने के लिए क्या कंडीशन होता है। तो और उसके बाद क्या कह रहा है कि अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए, मतलब वो जो आप आंसर लिख रहे हैं उसके लिए क्या रीजन हो सकता है वो भी आपको देना है। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। एक नंबर से इसका, एक नंबर में आप मान लीजिए यहाँ पे कि माना कि ए -1, -2, b 1, 0, c -1, 2 और d -3, 0 चार बिंदु हैं। ये चार बिंदु दी गई हैं। अब चलिए, अब यहाँ लिखेंगे दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र आपको याद होना चाहिए, बताया है कि √(x2 − x1) का होल स्क्वायर और √(y2 − y1) का होल स्क्वायर, यही ना आपको बताए थे। तो चलिए एक काम करिए, पहले ए बिंदु से बी बिंदु की दूरी निकालिए, यानी ए बी निकालिए, फिर उसके बाद बी सी निकालिए, फिर सी डी निकालिए और फिर ए डी निकालिए, उसके बाद हम लोग ए सी और बी डी भी निकालेंगे, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ चतुर्भुज आप पहले क्यों नहीं बना लिए हैं, तो आपको ये थोड़े पता है ये कैसा चतुर्भुज है ना, या ये भी तो नहीं पता है कि ये चतुर्भुज होगा कि नहीं, इसलिए हम लोग फिगर नहीं ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि सर चतुर्भुज एक बना लेते पिछले क्वेश्चन के जैसे 5 नंबर के, तो आप आसानी से वहां पे समझा पाते, तो नहीं वैसे नहीं लेंगे। आप ए से बी बिंदु की दूरी निकालिए, बी से सी निकालिए, सी से डी निकालिए, फिर ए सी निकालिए और फिर बी डी निकालिए, उसके बाद आपको बताते हैं इसमें। तो चलिए सबसे पहले ए बी निकालेंगे, तो ए बी निकालेंगे तो 1 − −1 का होल स्क्वायर प्लस 0 − −2 का होल स्क्वायर, यही ना करेंगे। 1 में से −1 को घटा के होल स्क्वायर लगाएंगे और 0 में से −2 को घटा के होल स्क्वायर लगाएंगे। चलिए आगे सॉल्व करिए इसमें, तो हो जाएगा यहाँ −−+ हो जाएगा ना, तो 1 − 1 = 2 आ जाएगा ना, तो 2 का स्क्वायर, यहाँ भी −−+ यहाँ भी आपका आ जाएगा 2 का स्क्वायर, तो यहाँ भी आपका 4 और +4 आ गया, ये रूट कितना हो जाएगा 8, यानी कि ये 2√2 हो गया ना, 2√2। इकाई लगाना है तो इकाई लिख दीजिए, इकाई, ठीक है। चलिए उसी तरह से आप बी सी निकालिए, तो बी सी निकालने के लिए भी सेम वही पैटर्न आप अपनाइएगा। बी सी यहाँ देखिए −1 − −1 का होल स्क्वायर प्लस 2 − 0 का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा −2 का होल स्क्वायर, देख रहे हैं ना दोनों माइनस का जुड़ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो ये भी आपका 4 ही होगा और ये भी आपका 4 ही होगा, यानी कि √8, यानी कि ये भी आपका कितना आ गया 2√2, ये भी आपका हो गया 2√2 इकाई, ठीक है। अब चलिए फिर आप निकालेंगे सी डी, तो सी डी भी उसी तरह से निकालेगा √√, सी डी निकालना है ना, चलिए तो क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा −3 − −1 का होल स्क्वायर, देख रहा ना, एक्स नियामक में से एक्स नियामक को घटा लिया, अब वाई में से वाई को, यानी कि 0 − 2 का स्क्वायर। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका −−+ होगा, −3 और +1 यानी −2 आ जाएगा, और प्लस यहाँ भी −2 का स्क्वायर है। चलिए ये भी आपका 4 और 4 √8, यानी कि वही आ गया 2√2 इकाई, ठीक है 2√2 इकाई। अब चलिए सी डी आ गया, अब ए डी निकाल लीजिए, तो ए डी बराबर भी उसी तरह से आप निकालिएगा, ए और ये डी के बीच की दूरी निकालनी है, तो आप वैसे ही निकालिएगा −3 − −1 का होल स्क्वायर प्लस 0 − −2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं √√, यहाँ देखिए −−+ तो यहाँ भी −2 हो जाएगा, −2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ −−+ हो जाएगा ना, यानी यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर, तो यहाँ भी 4 + 4 आपका सेम वही आ जाएगा √8, ये भी आ गया आपका 2√2 इकाई। अच्छा, यानी कि यहाँ से आपको दिख गया सभी भुजाएं बराबर आ गई। अच्छा, विकर्ण जो हो रहा है, ठीक है, यानी कि AC की लंबाई और फिर BD की, दोनों को निकालनी होगी,
चलिए तो देखिए, तो ए और सी है ना, चलिए ए और सी यहाँ ले लिए हैं ताकि आपको यहाँ लिखने में आसानी हो। चलिए यहाँ यहाँ घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस वन माइनस माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस फिर टू माइनस माइनस टू का होल स्क्वायर। समझ रहे ना बात को, यहाँ पे देख लीजिए माइनस वन माइनस वन और टू माइनस माइनस टू का होल स्क्वायर, समझ गया। चलिए यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस का वन प्लस का वन जीरो हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर और प्लस, यहाँ देखिए यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये चार हो जाएगा, चार का स्क्वायर। तो यानी रूट सोलह, रूट सोलह का मतलब कितना, चार इकाई, चार इकाई। अच्छा बी डी भी निकाल लीजिए, बी डी भी यहाँ निकाल लीजिए। चलिए तो बी डी निकालेंगे किस तरह से, ये रहा बी और ये रहा डी, यानी कि हो जाएगा माइनस तीन माइनस वन का स्क्वायर और प्लस में जीरो माइनस जीरो का स्क्वायर। चलिए यहाँ पे माइनस चार हो जाएगा तो माइनस चार का स्क्वायर और प्लस में जीरो का स्क्वायर, तो यानी इसका सोलह, सोलह में जीरो जोड़ेगा तो सोलह ही आएगा, रूट सोलह, यानी कि ये भी चार इकाई। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए ए बी बी सी सी डी ए डी बराबर हो गया है ना, यहाँ देख रहे हैं कि चारों भुजाएं बराबर हो जा रही है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। ठीक है, अच्छा ये यहाँ ये भी देख रहे हैं कि विकर्ण भी आपस में बराबर है, विकर्ण भी आपस में बराबर है। और आपको याद होना चाहिए, बताए थे कि आप इसमें ध्यान देंगे कि ये जो भुजाएं दी गई होंगे ना, इनमें से किसी का भी दो गो का योग आप इस विकर्ण के योग के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आपको ये पहले बता चुके हैं, पिछले वीडियो में समझा चुके थे कि याद होना चाहिए आपको कि बताए थे, जैसे मान लीजिए ए बिंदु है, यहाँ बी बिंदु है, यहाँ सी बिंदु है और यहाँ डी बिंदु है, अगर ये तीनों एक ही रेखा में हो गई, ठीक है, यानी कि संरेख हो गई, तो क्या ये कभी चतुर्भुज बन पाएगा, नहीं ना बन पाएगा। तो ही बताए थे कि यह देखिए BC और CD किसके बराबर नहीं होना चाहिए, BD के बराबर नहीं होना चाहिए, या आप जरूरी नहीं है ये बिंदु यहाँ भी हो सकता है, ये मतलब कोई भी दो गो का, दो गो कोई भी भुजा का योग उसके विकर्ण के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आप देख लीजिए किसी भी दो गो भुजा को जोड़िएगा तो विकर्ण के बराबर नहीं ना होगा, तो ये आपका चतुर्भुज संभव है। और ये चतुर्भुज क्या है, आपका एक वर्ग है, क्योंकि चारों भुजा बराबर और विकर्ण बराबर कब होता है, जब वर्ग होता है, इसलिए ए बी सी डी, ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग है, समझ गए। चलिए इसका सेकंड नंबर देखते हैं, इसका सेकंड नंबर एक और यही देख लेते हैं, तीसरा तो आप उसी तरह बना लीजिएगा। माना माना ए माइनस तीन कॉमा पांच, बी तीन कॉमा एक है ना, सी जीरो कॉमा तीन और डी, और डी माइनस एक कॉमा माइनस चार, चार बिंदुए हैं, चार बिंदुए हैं, ये चार बिंदुए दी गई हैं। ठीक है, अब यहाँ लिख दीजिए दूरी सूत्र, दूरी सूत्र आपको बता ही रखे हैं, रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ही ना होता है। चलिए तो एक बार पहले ए बी निकालते हैं, ए बी से शुरू करिए तो ए बी बराबर हो जाएगा, क्या आएगा आपका, देखिए तो 3 माइनस माइनस 3 ब्रैकेट बंद करेंगे होल स्क्वायर और 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाना है ना, तो यहाँ आ जाएगा 3 और 3 6 आ जाएगा, तो 6 का स्क्वायर और प्लस यहाँ घटेगा तो माइनस 4 का स्क्वायर है ना, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ दिया जाए यहाँ पे तो कितना आ जाएगा आपका, तो 6 6 12 का 2 एक तीन एक चार एक पांच, रूट बावन है ना, रूट बावन आ गया। तो आप इसको तोड़ना चाहे तो तोड़ सकते हैं, कैसे तो आपको पता ही है, इसको लिखेंगे दो गुना दो गुना तेरह, ठीक है, यानी आ गया टू रूट थर्टीन। ठीक है, चलिए अब चलिए बीसी पे चलिए, तो बीसी, तो बीसी बराबर सेम उसी तरह से बी सी निकालिए तो क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा जीरो माइनस थ्री का स्क्वायर और प्लस आपका थ्री माइनस वन का स्क्वायर। चलिए यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, माइनस का तीन का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा आपका दो का स्क्वायर, तो तीन का स्क्वायर नौ है ना, और यहाँ चार का स्क्वायर क्या, दो का स्क्वायर क्या हो जाएगा चार, नौ चार कितना आ जाएगा रूट तेरह। चलिए फिर सी डी निकालते हैं, सी डी तो सी डी बराबर उसी तरह से देख लीजिए क्या हो जाएगा, माइनस वन माइनस जीरो का होल स्क्वायर और प्लस माइनस चार माइनस तीन का होल स्क्वायर। चलिए समझ रहे ना, अब यहाँ देखिए ये माइनस वन ही होगा, माइनस वन का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा माइनस सात का स्क्वायर। चलिए
तो माइनस वन का स्क्वायर तो प्लस वन और सात का स्क्वायर यहाँ 49 आ जाएगा यानी रूट पचास। तो रूट पचास है तो इसको आप चाहें तो पांच रूट दो लिख सकते हैं, ठीक है। रूट पचास को आप पांच रूट दो लिख सकते हैं ना। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला आप सी डी के बाद लीजिए ए डी। तो ए डी बराबर उसी तरह से रूट अंडर, यहाँ देखिए ए है यहाँ डी है, तो क्या हो जाएगा माइनस वन माइनस माइनस तीन का होल स्क्वायर और प्लस आपका हो जाएगा माइनस चार माइनस पांच का होल स्क्वायर, ये ना हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे आप सॉल्व करिए अंदर। तो देखिए यहाँ पे ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा दो दो का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा आपका कितना माइनस का नौ, माइनस का नौ का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि यहाँ हो जाएगा दो का स्क्वायर चार और नौ का स्क्वायर इक्यासी यानी रूट पचासी, रूट पचासी। चलिए अगला देखते हैं हम लोग किसको देखेंगे। तो एसी निकालेंगे और फिर बीडी निकालेंगे। तो एसी निकालते हैं पहले। एसी क्या लीजिएगा आप जीरो माइनस माइनस थ्री का होल स्क्वायर और प्लस तीन माइनस पाँच का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पे देखिए तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो माइनस से प्लस यानी कि तीन का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ जो घटाएंगे माइनस दो का स्क्वायर, है ना। तीन का स्क्वायर आपका नौ, ठीक है, और दो का यहाँ माइनस दो का स्क्वायर प्लस चार यानी कि रूट तेरह आ जाएगा, हो जा रहा है ना। चलिए अगला निकाल दीजिए बी डी भी निकाल दीजिए। अब बी डी निकालने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ से भी काम चल जाता है, लेकिन सब निकाला तो इसको भी निकाल ही दीजिए बी डी। चलिए बी डी क्या हो जाएगा आप देखिए, तो क्या होगा माइनस वन माइनस तीन का होल स्क्वायर और फिर माइनस चार माइनस वन का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ देखिए तो माइनस चार का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस पाँच का स्क्वायर, इतना ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए चार का यहाँ सोलह आ जाएगा और यहाँ पच्चीस आ जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए तो आ जाएगा यहाँ से कितना आपका 41 आ जाएगा क्या, हाँ रूट अंडर 41 आ जाएगा। तो अब यहाँ जो है आप वही कंडीशन देखिए, यहाँ पे देख लीजिए अगर हम बीसी को और इस एसी को जोड़ दें तो क्या हो जा रहा है, यहाँ इसके बराबर हो जा रहा है कि नहीं, एबी के बराबर हो जा रहा है। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि आपको बोले थे ना किसी भी दो को जोड़िएगा, तो बीसी प्लस एसी बराबर में हो जा रहा है एबी, बीसी प्लस एसी देख रहे ना, बीसी रूट तेरा है और एसी भी रूट तेरा है, तो दोनों को जोड़े तो एबी के बराबर नहीं हो जा रहा है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ से क्या पता चला है कि ये एक इस तरह से रेखा होगी जिस पे ये बिंदु देखिए एबी है ना, एबी और ये सी देख लीजिए, यहाँ पे देखिए बीसी और प्लस एसी मिलके किसके बराबर हो जा रहा है, एबी के बराबर, यानी दो तीनों संरेख हो गई ना। और संरेख हो गई तो यहाँ से अगर वो जो आपका बिंदु डी है आपका यहाँ कहीं भी होगा तो इसे ऐसे मिलके बनाइएगा तो क्या ये चतुर्भुज बनेगा, नहीं ना बनेगा, देख रहा है ना। तो यही कंडीशन यहाँ आ गया क्योंकि यहाँ ये तीन बिंदु संरेख आ गई ना, तो यहाँ लिख देंगे कि चूंकि ए सी और बी संरेखी है इसलिए ए बी सी और डी चतुर्भुज के शीर्ष नहीं हो सकते, चतुर्भुज के शीर्ष नहीं हो सकते, देख रहे हैं ना, क्योंकि ये त्रिभुज बन जाएगा, शीर्ष नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, इसका तीसरा नंबर आप बना दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सात देखिए, दे रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदुरुस्त है, यानी कि समान दूरी पर है, याद है ना समदुरुस्त का मतलब आपको बताया थे। तो लिख एक्स अक्ष पर बिंदु निकालना है तो आपको एक्स कॉमा जीरो मानना होगा, एक्स अक्ष पे कोई बिंदु आपको बताया था ना शुरू में ही चैप्टर के शुरुआत में एक्स कॉमा जीरो लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कि माना एक्स अक्ष पर स्थित वह बिंदु पी एक्स कॉमा जीरो है, उसको बिंदु पी मान लिए जो एक्स कॉमा जीरो है ना, जो बिंदुओं ए 2, -5 और बी -2, 9 से समदूरस्थ है
समदूरस्थ है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक बिंदु P मान लीजिए x, 0 और इधर बिंदु एक A मान लीजिए वो है आपका 2, -5 और एक बिंदु यहाँ पे मान लेते हैं B, उसका निर्देशांक क्या है -2, 9। अब ये जो P बिंदु है इन दोनों से क्या है समान दूरी पर है, यानी कि समदूरस्थ है। चलिए इसको यहाँ से ऐसे पहले मिला देते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। चलिए तो आपको याद होना चाहिए, आपको दूरी सूत्र बताए हैं, यहाँ भी वही प्रयोग करना है, ठीक है। तो पहले आप यहाँ लिख दीजिए दूरी सूत्र, ठीक है। दूरी सूत्र क्या होता है, रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये जानते हैं ना आप। चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में कह रहा ना कि PA जो होगा PA बराबर होगा PB, क्यों, क्योंकि ये जो बिंदु है इन दोनों से क्या है समदूरस्थ है, समान दूरी पे है ए और बी बिंदु से, इसलिए PA बराबर PB। यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर तो यहाँ हो जाएगा, एक तरफ हो जाएगा आपका PA स्क्वायर और एक तरफ हो जाएगा PB स्क्वायर। वर्ग इसलिए लिए है ना ताकि ये रूट आपको नहीं लगाना पड़े, अब ये दूरी सूत्र से आपको रूट हटा देना होगा, क्योंकि PA बराबर ये आप फॉर्मूला लगाइएगा तो जब स्क्वायर लग गया तो ये रूट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यानी अब आपका हो जाएगा PA की दूरी कैसे निकालिएगा यहाँ से, है ना, कैसे निकालिएगा, तो हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर और प्लस x - 0 - -5 का होल स्क्वायर। देख लीजिए x - 2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 - -5 का होल स्क्वायर, समझ गए। उसी तरह से PB भी क्या हो जाएगा आपका x - 2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर, समझ गए ना, दोनों तरफ लगा दिए। यहाँ रूट क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है दोनों जगह, यानी कि दोनों तरफ दूरी सूत्र ही प्रयोग किए हैं, बस रूट नहीं लगेगा क्योंकि हम लोग यहाँ स्क्वायर कर दिए हैं, समझ गए। इसको आगे सिंप्लीफाई कर देते हैं, हमारा मान जो निकालना था वो आ जाएगा। चलिए यहाँ पे है x - 2 का होल स्क्वायर, अच्छा यहाँ ये -, -+ हो जाएगा यानी कि 5 का होल स्क्वायर। अच्छा इधर देख लीजिए यहाँ हो जाएगा x - -+ हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर और बराबर में -9 का होल स्क्वायर, +-9 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए -9 का होल स्क्वायर है यहाँ पे, अब आगे इसको सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा a² - 2 a × b और प्लस में बी स्क्वायर, समझ गए ना, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे दोनों x² - 2 × x - 2 है ना, इंटू में 2 आ गया और +2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग गया है माइनस बी के होल स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, बराबर में इधर भी वही x² + 2 × x × 2 और +2 का स्क्वायर, तो यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग गया, यहाँ 9 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 81। देख लीजिए x² और x² काट दीजिए, यहाँ +2 का स्क्वायर काट दीजिए, यहाँ हो जाएगा -4x है ना और प्लस में 25 बराबर में +4x और प्लस में 81। चलिए अब x को एक तरफ करते हैं और अंकों को एक तरफ करते हैं, तो -4x ये आ गया इधर, -4x ये भी आ गया इधर, इसको उधर ले जाते हैं 81 - 25, यहाँ -8x बराबर में, यहाँ घटाइए तो कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ घटाएंगे तो आ जाएगा 11 में से 5 गया 6 और यहाँ पे 7 में 56 आ गया, यानी x बराबर आ गया 56 - 8, 7 बार में कट जाएगा, यानी x का मान आ गया -7। तो आपको यहाँ पे x अक्ष पे स्थित वह बिंदु आ गया ना, चलिए तो x अक्ष पर स्थित बिंदु क्या हो जाएगा, तो -7 और 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, ठीक है। चलिए तो एक बिंदु P दिया है जिसका निर्देशांक है आपके पास 2, -3 और एक बिंदु यहाँ पे मान लेते हैं Q है जिसका निर्देशांक है 10, y। अच्छा इन दोनों के बीच की दूरी हमारे पास दिया है 10 मात्रक, तो एक काम करिए ना पहले इन दोनों को मिला दीजिए इस तरह से, ठीक है। चलिए अब आपको पता है यहाँ दूरी सूत्र के बारे में, तो यहाँ दूरी सूत्र भी लिख लेते हैं उसके बाद इसको बनाते हैं, ठीक है। दूरी सूत्र, तो दूरी सूत्र में आप जानते हैं ना रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, यही ना होता है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि P से Q की दूरी यानी PQ बराबर दिया है 10 मात्रक, 10 मात्रक ये दिया है। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर चलिए दोनों तरफ वर्ग करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा PQ स्क्वायर बराबर में 10 का स्क्वायर। अच्छा PQ स्क्वायर, तो आप दूरी निकाल लीजिए यहाँ से, क्या हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या देंगे, तो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर, हो जाएगा ना। ये ना होगा वाई माइनस, एक फॉर्मूले का माइनस आया है वो, और एक इसका माइनस, इसलिए यहाँ डबल माइनस लगा है। और बराबर में क्या, 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100 होगा, समझ गए। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ भी रूट नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। चलिए इसको आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए घटेगा तो 8 हो जाएगा ना, 8 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा वाई माइनस माइनस क्या जाएगा, प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर में 100। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 8 का स्क्वायर क्या लेंगे, 64, ठीक है, और प्लस यहाँ देखिए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे है, तो वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 3 और प्लस में 3 का स्क्वायर, और इसको भी इधर ही लाते हैं, माइनस का 100 बराबर में 0। अब इसको आगे सॉल्व करिए, तो आगे सॉल्व करिए, तो यहाँ देखिए पहले वाई स्क्वायर को लिख लीजिए प्लस, इसको गुणा करिएगा तो 6y। अच्छा यहाँ देखिए 64 दिया, 3 का स्क्वायर 9, 64 और 9 जोड़ के ही लिख देते हैं, तो आपका आ जाएगा 73 ना, और माइनस में 100 बराबर में 0, यहाँ ये घट जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस का 6y और माइनस का 27 हो जाएगा ये बराबर में 0, ठीक है। चलिए अब इसको फैक्टर करना होगा ना, तो वाई स्क्वायर प्लस का 9y माइनस का कितना आएगा, 3y माइनस का 3y माइनस का 3y माइनस का 27 बराबर में 0। देखिए 9 में से 3 जाएगा आपका 6y आ जाएगा, गुना हुआ तो इन दोनों के गुना के बराबर आ जाएगा। y कॉमन करिए, y प्लस 9 और यहाँ पे माइनस 3 कॉमन होगा, y प्लस 9 दोनों ब्रैकेट में एक जैसा आ गया, तो y प्लस 9 को बाहर निकाले, यहाँ y माइनस 3 बचा। अब यहाँ से अलग अलग कर दीजिए, तो यहाँ y प्लस 9 बराबर 0 और एक आ जाएगा y माइनस 3 बराबर 0। y का मान एगो माइनस का 9 आ गया और एक आ गया आपका 3, इसलिए y का मान 2 हो गया, एक माइनस 9 हो गया और एक 3 हो गया, समझ गए, यही निकालना था आपको ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका 9 नंबर, यहाँ कह रहा है कि यदि Q 0.1 जो है बिंदुओं P और R से समदुरुस्त है, यानी कि Q जो है बिंदु P और R से समदुरुस्त है, तो आपको क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है, उसके बाद दूरियां Q1 निकालनी है और PR भी ज्ञात करनी है। तो चलिए पहले x का मान निकालते हैं। चलिए यहाँ क्या कह रहा है कि बिंदु Q जो है, Q का निर्देशांक दिया है 0.1, ठीक है, वो किसे किसे P और R से समदुरुस्त है, तो बिंदु यहाँ पे P होगा जिसका निर्देशांक है आपके पास 5.-3। अच्छा एक और बिंदु है R, ठीक है, जिसका निर्देशांक दिया है 1.6। ये दोनों बिंदु है, क्या है, बिंदु Q से समदुरुस्त है, तो यहाँ से पहले इसको मिला देते हैं एक रेखा द्वारा। चलिए तो एक रेखा द्वारा यहाँ से मिला देते हैं, यहाँ से P से Q को और फिर यहाँ Q से R को, ठीक है, यहाँ पे मिला दिए। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि Q जो 1.0 है, सॉरी 0.1 है, 0.1 है, वो कहाँ से, तो बिंदुओं P 5.-3 और R 1.6 से समदूरस्थ है, ठीक है, समदूरस्थ है। तो अब आपको यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ जो PQ होगा ना, PQ वो बराबर होगा किसके, QR के, PQ जो होगा QR के बराबर होगा, ये PQ QR के बराबर होगा ना जब समदूरस्थ है। तो चलिए दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करिएगा तो यहाँ से हो जाएगा क्या, PQ का स्क्वायर और बराबर में इधर हो जाएगा QR का स्क्वायर, हो जाएगा ना। तो PQ का स्क्वायर यहाँ से निकालिए तो क्या आएगा आपका, तो 0-5 का स्क्वायर प्लस 1-3 का होल स्क्वायर, यही होगा। चलिए बराबर में होगा आपका, QR निकालना है ना, QR, तो आपका हो जाएगा x-0 का स्क्वायर
और प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, यही ना होगा। चलिए यहाँ पे सॉल्व करिए, ये माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ देखिए ये आपका कितना जाएगा 5 का स्क्वायर, यही ना होगा। चलिए यहाँ देखिए तो माइनस 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, एक्स स्क्वायर और यहाँ 5 का स्क्वायर 25, ये देखिए कट जाएगा। चलिए अब ये स्क्वायर है तो इधर आके रूट में होगा ना, तो रूट 16 और प्लस माइनस दोनों लगेगा, ये तो निर्देशांक है ना, इसलिए प्लस माइनस दोनों लगाना पड़ेगा। तो प्लस माइनस आ गया 4, एक्स का मान क्या आ गया, प्लस माइनस 4 आ गया। अब जो दूरियां निकालनी है वो निकालते हैं, आपको दो दूरियां निकालनी है। पहले हम लोग क्यू आर निकालते हैं, तो क्यू का तो निर्देशांक दिया है आपका 0.1 और आर का निर्देशांक दिया है x.6, ठीक है। चलिए तो इसको निकालते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं केस पहला, यहाँ देखिए दो वो केस होगा, केस पहला, पहले हम लोग क्या करेंगे ना कि आप x बराबर जो है ना 4 मान लें, x बराबर 4 मान लें, ठीक है। तो बिंदु Q का निर्देशांक, Q का निर्देशांक आपके पास क्या दिया हुआ है, तो 0.1, यही ना है। और R का निर्देशांक जो दिया है x.6 है, तो x की जगह आपकी बार 4 ले लीजिए और आपका 6 तो 6 ही रहेगा, ठीक है। x की जगह क्या रख दिए, 4 रख दिए। x बराबर 4 पर हम लोग पहले क्यू आर निकालते हैं, ठीक है। ये क्यू आर की लंबाई निकालते हैं, यानी कि क्यू आर से बीच की दूरी निकालते हैं। तो अब आप यहाँ पे निकालिए क्यू आर बराबर रूट अंडर 4 माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। चलिए यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, रूट 41 इकाई। अब केस टू लीजिए, केस टू में आपको क्या करना होगा, x बराबर माइनस 4, है ना, x बराबर माइनस 4 पर कर रहे हैं। अब आप किस पे चाहिए किए थे, x बराबर 4 पर, तो चलिए अब फिर यहाँ पे q बिंदु लीजिएगा 0.1, है ना, और r बिंदु जो होगा अब आपका होगा माइनस 4.6, क्योंकि x का मान 6 था ना, तो x का मान आपकी बार माइनस 4 लेंगे। चलिए अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको निकालनी होगी, तो फिर उसी तरह से निकालिएगा, तो यहाँ QR बराबर हो जाएगा रूट अंडर माइनस 4 माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 5 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा यहाँ, यानी कि रूट 41, ठीक है, यहाँ भी रूट 41 इकाई आ गया। तो आप सोच रहे होंगे कि सर दो बार क्यों निकले, क्योंकि हमारा दो को मान आया था ना एक्स का, इसलिए दोनों निकालना पड़ा। फिर अगेन हम लोग अगेन केस फर्स्ट लेना होगा आपको केस फर्स्ट। आप सोच रहे होंगे कि सर क्यों ले रहे हैं फिर से दोबारा, तो आप दूसरा वाला जो निकालना था ना एक्स बराबर 4 पर हमें एक और मान निकालना है, ये तो आपका क्यू आर निकल गया, अभी फिर किसका निकालना है, पी आर का निकालना है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो पी का निर्देशांक दिया है 5.-3, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक पी ले लेते हैं जिसका दिया है 5.-3 और आर जो बिंदु दिया है वो 1.6 था, तो अब की बार पहले क्या रहना होगा 4.6, एक्स की जगह 4 हो जाएगा। चलिए इसको आप यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, तो अब पी आर का मान निकालना होगा, तो यहाँ पी आर निकालेंगे तो पी आर बराबर क्या लिखिएगा, पी आर बराबर रूट अंडर 4-5 का होल स्क्वायर और प्लस 6-3 का होल स्क्वायर, यही ना होगा। चलिए यहाँ घटेगा तो क्या आ जाएगा आपका, तो यहाँ आ जाएगा -1 का स्क्वायर और यहाँ -- प्लस, यानी यहाँ हो जाएगा 9 का स्क्वायर, तो ये -1 का स्क्वायर +1 आएगा, 9 का स्क्वायर 81, यानी कि √82 इकाई, ठीक है। अब सिमिलरली इसका भी केस दो लेना होगा, ठीक है, तो केस सेकेंड इसके लिए भी, केस सेकेंड एक्स बराबर -4 पर, ठीक है। चलिए तो पी का निर्देशांक तो वही रहेगा 5.-3 और आर जो बिंदु है ना आपका अब हो जाएगा -4.6, क्योंकि एक्स बराबर आपकी बार -4 लिए हैं। चलिए इन दोनों को पहले यहाँ से यहाँ मिला देते हैं और फिर इनकी लंबाई निकाल देते हैं, यानी कि दोनों के बीच की दूरी निकाल देंगे। तो यहाँ से फिर पी आर बराबर हो जाएगा रूट अंडर -4-5 का स्क्वायर और प्लस 6-3 का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ भी -9 आ जाएगा,
माइनस नाइन का स्क्वायर और यहाँ माइनस में प्लस नाइन का स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस में है स्क्वायर हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ भी 81 होगा यहाँ भी 81 होगा। यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 162 आ जाएगा, यानी इसको तोड़िएगा तो आ जाएगा 9√2 आ जाएगा। तो यहाँ आपने देख लिया आपको जो जो निकालना था सब निकल गया। यहाँ पे आप पहले निकालना था क्यू आर, तो क्यू आर दोनों केस में आपका रूट अंडर 41 इकाई ही आया है, ठीक है। और दूसरे केस में आपको निकालना था पी आर, तो पी आर जो था पी आर का दो गो मान आएगा अलग अलग, एक आएगा √82 और एक आपका कितना आ गया है तो 9√2 इकाई कंफर्म हो गए। और x का मान निकालना था तो प्लस माइनस 4 आया ही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x कॉमा y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से संतुष्ट है। तो यहाँ लिख लेते हैं कि यहाँ लिख लेंगे, मान लेंगे इन बिंदुओं को कुछ, माना पी एक्स कॉमा वाई बिंदुओं ए 3,6 और बी -3,4 से समदूरस्थ है, ये हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बिंदु P दे दीजिए जिसका निर्देशांक x, y। अच्छा यहाँ पे बिंदु दे दीजिए A जिसका निर्देशांक है 3,6 और एक बिंदु और है जिसका नाम है B और उसका निर्देशांक है -3,4। चलिए इसको मिला देते हैं, तो यहाँ पी ए को मिला दिए है ना और पी बी को मिला दिए, और ये दोनों P बिंदु क्या है, A और B से समदूरस्थ है ना, यानी यहाँ से आपको पता है कि पी ए बराबर हो जाएगा पी बी। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, और सेम वही कंडीशन लेके चलेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अच्छा इस तरह से अब आप आगे बना ही सकते हैं, पी ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी बी स्क्वायर। अब वही आपको दूरी सूत्र लगाना होगा, बस रूट नहीं लगेगा। तो यहां से लगाइए तो आपका हो जाएगा एक्स माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस वाई माइनस 6 का स्क्वायर बराबर में एक्स माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर, अच्छा प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर, यही ना होगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहां से हो जाएगा, यहां तोड़ दें क्या, या फिर एक काम करिए, पहले इसको नोट करिए, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर वाई माइनस 6 का स्क्वायर। यहां पर हम लोग ठीक कर लेते हैं इसको, माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं। अब इसके बाद तोड़ने की शुरू करते हैं सबको। चलिए यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे सब जगह, कहीं माइनस में लग रहा है कहीं प्लस में लग रहा है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। और यहाँ भी वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 6 और प्लस में 6 का स्क्वायर बराबर में उसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 और प्लस 3 का स्क्वायर। यहाँ भी उसी तरह से वाई स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 2 इंटू 4 इंटू है ना माइनस 2 इंटू वाई इंटू 4 कर देते हैं इस तरह से ना, और प्लस में 4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, सबको तोड़ दिए। चलिए यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटा, 3 के स्क्वायर से 3 का स्क्वायर कट गया। देखिए बाकी जो बचा उसको लिखिए, तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना माइनस का 6x, यहाँ कितना हो जाएगा 6 × 12y, ऐसा 6 का स्क्वायर होगा 36 बराबर में, यहाँ देखिए प्लस का 6x, अच्छा माइनस का 8y और 4 का स्क्वायर 16। सबको एक तरफ करिए, माइनस का 6x माइनस का 12y प्लस का 36, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 6x प्लस का 8y और माइनस का 16 बराबर में 0। आगे सॉल्व करते हैं, ये देखिए दोनों माइनस का है तो माइनस का 12x हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का तो माइनस का 4y हो जाएगा, और यहाँ ये घटेगा तो प्लस का कितना जाएगा 20 बराबर में 0। यहाँ से क्या कॉमन है तो माइनस का, यहाँ से आप 4 कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस वाई, यहाँ साइन बदलेगा -5 बराबर 0, माइनस 4 उधर जाके 0 में भाग करेगा तो ये बचेगा आपका 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर में
जीरो। तो यही ना आपका एक्स और वाई में संबंध आ गया। तो इसी के साथ इस वीडियो को इन कर देते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोज आपको कैसे लगते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी लिंक की जरूरत हो, अदर सब्जेक्ट की लिंक, अदर चैप्टर की लिंक, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7301778899 पे SMS करके चैप्टर के लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कॉल नहीं करेंगे इस नंबर पे।